फिर हम लोग ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग एरर देखे थे और एरर में प्रोपगेशंस देखे थे, एरर प्रोपगेशन और कुछ कैलकुलेशन और थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो किन डाउट था प्रीवियस क्लास में आप लोग में से किसी का, कि उसका प्रोपगेशंस का डेरिवेशंस पूछे थे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है उसको हम बता देंगे अभी। और इसके अलावा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चंस होता है, यानी कि उसको बताएंगे जैसे उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एरर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो उस तरह का सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ किस तरह आता है जेई में क्वेश्चन, सब वो सब देखेंगे आज। तो सभी लोग आ गए हैं ना, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे एरर में प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद डिविजन्स और पावर, इन सब का हम लोग फॉर्मूला देखे थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आ रहा था, ठीक है। तो आज हम उसको थोड़ा डिराइव करते हैं, कोई डाउट होगा तो पूछना। किसी ने पूछा था आप लोग में कि बता दीजिएगा सर, तो ठीक है मैं बता देते हैं। एरर इन प्रोडक्ट, एरर्स इन प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको लो डिराइव करते हैं, ठीक। देखो बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन, जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं, एक्स को लिखेंगे ए इन टू बी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इधर ए क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। इधर से हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इधर ए कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पे बी कॉमन लेंगे तो ए बी को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इधर क्या बचेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा, एक्स का ए बी की इक्वल है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, सॉरी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। तो ये टर्म बहुत छोटा है यहाँ पे, इसको हम लोग ये जो टर्म है बहुत स्मॉल आता है तो इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ठीक है बहुत स्मॉल टर्म आता है। तो इस डेरिवेशन में हम लोग इस जो टर्म आ रहा है डेल्टा ए बाई ए इंटू कर रहे डेल्टा बी बाई बी, ये टर्म बहुत स्मॉल आता है इसको हम निगलेक्ट करते हैं, निगलेक्टिंग, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल आता है, छोटा सा टर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये वन वन काट देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा है भाई ये। तो देखो वही आ गया जो हम लोग रिजल्ट है, तो इसी रिजल्ट को हम डायरेक्ट लिखे थे, इसका यूज करते रहते हम लोग, इसी को हम लोग ठीक से अरेंज करके लिखेंगे अगर, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। कॉमन ले लिए थे प्लस माइनस को, इधर का सॉल्व कर लिख दिए इसको अरेंज करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट जिसको हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट के लिए। बहुत सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, बहुत सिंपल, ठीक। इस तरह डिवीजन का भी करेंगे अभी। तो हो सकता है स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता होगा ये सब, जैसे एग्जाम्स होगा मिड सेम या फिर जो फाइनल एग्जाम्स होता है या प्री बोर्ड, उसमें पूछा जाता है, तो ठीक है ये काम आ जाएगा। तो एक्स को यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू बी होता है बस, ठीक समझ में आ गया सभी को, इसको लिख लो जल्दी से, सभी लोग आ गए ना। और टेस्ट है परसों आप लोग का, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से एक बार, ठीक है। इसके बाद है एरर इन डिवीजन, एरर इन डिवीजन,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एरर इन डिवीजन को, तो सीधा हम लोग डिवीजन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक्स का जो वैल्यू है ये कितना हो, ये हो जाएगा ए बाई बी, ठीक है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए बाई बी। तो इधर इसको एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये क्या होगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब क्या फिर से कॉमन लेंगे एक्स को, हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे तो जो सॉल्व कर लो, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा चीज है, वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, और बी वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये एक्स का जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल ए बाई बी है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी का पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वन हो गया। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ना बहुत छोटा है, ये टर्म बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंड एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग कर रहे हैं हम लोग कैसे, बाइनोमियल वे में बाइनोमियल एक्सपेंड कर दे रहे हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए जानते ही हो फॉर्मूला, तो यहाँ पे माइनस वन है तो क्या यहाँ पे साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखेंगे, देखो वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यहाँ आएगा वन माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ठीक, ये हो जाएगा। इसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंड कर दिया, मतलब वही रहेगा रिजल्ट, कोई चेंज नहीं होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करने से वही रहेगा, बस यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह एक्सपेंड कर लिए, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कॉमन लेके, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम लोग बस उस टर्म को एक नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या रहेगा, वन रहेगा। कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलो, डाउट है तो बोलो, बस सॉल्व कर रहे, ठीक, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है ना। ये टर्म बहुत ही छोटा सा है, कौन पूछे थे इसको, आपको समझ में आया ना जो पूछे थे प्रीवियस क्लास में, वो आए हैं कि नहीं जो प्रीवियस क्लास में, वो है ही नहीं। अच्छा, वो है ही नहीं जिसको पूछना था, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसी के लिए हम बता दिए डेरिवेशन, चलो ठीक है, वीडियो बोल देंगे देख लेने के लिए, तुम लोग देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बस इसको एक्सपायर के लिख दिया हम लोग, बहुत सिंपल सा एक्चुअली, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई भारी भरकम चीज नहीं, बस कैलकुलेट किए हैं। तो वन वन कट गया यहाँ पे, और ये टर्म को फिर नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत छोटा सा टर्म है, उसको बोलना कि देख लेने के लिए, ठीक है सर, बोलने की रिपीट और नहीं करेंगे प्रीवियस क्लास में, फिर ये सब छोटा छोटा चीज है, तो उसको बोलना कि देख लो वीडियो सब, तो नेगलेक्ट कर देंगे, बहुत स्मॉल टर्म है, बस लिख दो और क्या, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बी, ठीक है, इसी को लिख देंगे अरेंज करके हम लोग, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिवीजन का, इसी का रिजल्ट बस लिख दिए थे, रिजल्ट का काम आएगा, डिराइव कभी नहीं करना है इसको,
अगर पूछा जाए कभी तो फिर करना है। x का वैल्यू है a बाई बी, ठीक है। इसके बाद एक है पावर का, थर्ड वन इस पावर का भी बता देते हैं। अच्छा आज कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे ना, इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करने का बहुत काम है एरर में, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है जो तुम लोग क्लास में सीखे उसी तरह का है। तो एरर इन द क्वांटिटी, और एरर में देखो मेन कॉन्सेप्ट यही सब है, कोई भी क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सीखना है, अभी बताएंगे आज, ठीक। उसको अच्छे से समझ लेना और क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो, अदरवाइज फिर क्लास में कितना भी सवाल बनाएंगे खुद से करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस। पैकेज है उससे पूरा बनाओ, जितना दिए थे तो बनाए होंगे, और जो नहीं दिए वो आज दे देंगे होमवर्क में। तो इसमें बहुत आसानी है, इसमें क्या करना पड़ेगा देखो, जैसे x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर n डिवाइड बाई b टू द पावर m। तो लॉग लेंगे अगर, तो इसको लॉग x लिख देंगे, तो log a by b, log a minus b होता है, तो log को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना ln, तो n टर्म यहाँ पे आ जाएगा, पावर ln a हो जाएगा माइनस m हो जाएगा ln b हो जाएगा, ठीक है ना, नेचुरल log। अब log का डिफरेंस सब लोग जानते होंगे क्या होता है, वन log x का 1 by x, 1 by x, 1 by x लिख दीजिए, ठीक है। n कांस्टेंट है आपका, n छोड़ दीजिए, इसको आप चेन रूल लगा कीजिए, जैसे क्या कीजिएगा 1 by a का क्या होगा, log a का 1 by a हो जाएगा, और ए का करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट, तो कीजिए डी ए बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस एम छोड़ दीजिए, लॉग ए का क्या लिखिएगा, चेन रूल जानते होंगे सब लोग, वन बाई बी, और क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं लॉग बी बाई लॉग बी का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, जैसे कि मान लो यू का करना है तो डी यू बाई यू स्क्वायर, डी यू बाई डी इस तरह, और यहाँ पे फिर डी यू बाई डी एक्स ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, मतलब ये एक्चुअली डी एफ बाई डी एक्स ही लिखे उस तरह करते चेन रूल लगा के, ठीक है ना, चेन रूल कर रहे हैं। तो log x का होगा, log a का होगा 1 by a, और dA by dx, log b का होगा 1 by b, और dB by dx। अब dx को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे लिख लो जल्दी से, dx by x equal to n dA by a minus n dB by b, ठीक है ना। तो इसी को डेल्टा फॉर्मेट लिख दो, d मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज, इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब स्मॉल चेंज ही होता है, इनफाइनाइट इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत छोटा सा, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होता है तब हम लोग डी लिखते हैं, तो उसको डेल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, स्मॉल चेंज को। तो एन डेल्टा ए बाई ए, तो वही आ गया हम लोग का, इसी को लिखते हैं हम लोग एम डेल्टा बी बाई बी, तो पावर फॉर्म में ही लिखते हैं हम लोग, तो ये रिजल्ट आता है स्टैंडर्ड। तो बस ये तीन डेरिवेशन जो है यही है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। और यदि कभी डेरिवेशन पूछा जाए तो ऐसा कर दीजिएगा, लिख दो m डेल्टा v बाई b, ठीक है ना। चलो अब कुछ देखते हैं आज को, सवाल सब जो ग्रुप में भी कुछ कुछ बच्चे पूछे थे, तो वो सब बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है सब। जैसे कुछ tan थीटा के टर्म में एरर निकालना है, या तो फिर रजिस्टर कॉम्बिनेशन, तो उस सब, या फिर फोकल लेंथ का कैलकुलेशन के लिए, इस तरह कुछ कुछ कैलकुलेशन सीखते हैं आज हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अभी थोड़ा सवाल देखेंगे, चलो एक क्वेश्चन रजिस्टर का पहले देखते हैं, उसी तरह फोकल लेंथ भी बनेगा, उसी तरह और भी उस तरह का सवाल बहुत सारा बनेगा, फिर हम लोग देखेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म का एरर। तो एक सवाल इसको लिखो जल्दी से फटाफट, चलो शॉर्ट में ही लिख लो, कैलकुलेट उतना नहीं लिखने बोल रहे, दो रजिस्टर दिया हुआ है ना, आर वन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन एक मिलेगा एक दो, और आर टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को निकालना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब फाइंड आउट क्या निकालना, लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सवाल है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो लिख दो फटाफट जैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज बस सीख लो तो हर सवाल बन जाएगा। जैसे हम लोग 1 बाई आर को पहले लिख देंगे जल्दी जल्दी, 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू से लिखते हैं,
तो यहाँ से अपने पास आर आ जाएगा क्या, आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। तुम लोग यहाँ से आर निकाल लेंगे जल्दी से, तो कितना हो जाएगा आर का वैल्यू, सिक्स इंटू थ्री और डिवाइड बाई सिक्स प्लस थ्री, तो 18/9 मतलब 2 ओम आर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जब हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, जब डेल्टा आर निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो ये इक्वेशन वन है, तो अब क्या करोगे यहाँ पे ध्यान दो, ये डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट कर दो, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर कर दो। तो देखो इसको क्या करोगे, जैसे आर है तो इसको आर इनवर्स लिख सकते हो, आर वन है तो आर वन का पावर माइनस वन लिख सकते हैं, आर टू है तो आर टू का पावर माइनस वन लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, जैसे डी आर माइनस वन बाई डी आर, सभी को पता है क्या आएगा, माइनस माइनस वन एक और ऐड हो जाएगा और, तो क्या डायरेक्ट लिख देते रिजल्ट, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा देखो, माइनस आर टू पावर माइनस टू, यस ये हो जाएगा आर टू पावर माइनस आर टू पावर माइनस टू, यानी कि माइनस वन बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, इधर क्या हो जाएगा, अब ये चेन रूल लगाना पड़ेगा, एक बार आर वन के रिस्पेक्ट में और एक बार डी आर वन बाई डी आर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बच जाएगा हम लोग के पास, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, आर वन का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या बचेगा बोलो, साथ में डी आर वन बाई डी आर बच जाएगा, है ना, चेन रूल से कर रहे हैं। इसके लिए क्या बच जाएगा, माइनस वन बाई आर टू का स्क्वायर बच जाएगा और क्या बचेगा, डी आर टू बाई टू बाई डी आर, वेरी गुड, ये हो जाएगा। तो बस को लिख लीजिए अरेंज करके, बोलो कोई डाउट किसी को, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, सिंपल सा एकदम, ये होगा आपका डी आर वन बाई आर वन कर दीजिए, ठीक है ना, का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आर वन का स्क्वायर हो गया और आपका डी आर तो हम इधर भेज दिए हैं, ये डी आर होगा, ठीक है ना, डी आर हो जाएगा और यहाँ पे लिख दो माइनस डी आर टू बाई आर टू का स्क्वायर। तो देखो ये भी तो एरर के फॉर्म में आ गया, अब यहाँ माइनस को कैंसिल आउट करके प्लस के फॉर्म में लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा आर बाई, लिखो जल्दी से इसको, डेल्टा आर बाई आर स्क्वायर स्मॉल चेंज के लिए इक्वल टू, मैंने डेल्टा आर वन बाई आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाई, देखो इसको बार बार नहीं करना पड़ेगा, हाँ एक बार कर दी, इसको याद रखना, नहीं याद रहेगा तो कर लेना, नहीं तो मैं याद रखना बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो सीधा तुम डेल्टा आर को यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला में, डेल्टा आर हो या एफ हो या कुछ भी निकालना पड़े इस तरह का टर्म, तो इसको आर वन बाई आर वन का स्क्वायर कर देना प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू का स्क्वायर कर देना और इंटू कर देना इसके साथ आर स्क्वायर को, बस आर को मतलब आर का स्क्वायर को, तो यहाँ से हमको डेल आर मिल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हो गया, एक तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, नहीं याद रहेगा तो निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं, एक मिनट लगेगा, एक मिनट से भी कम लगेगा, ठीक है, तुरंत निकाल सकते हैं। तो इसको बस इसी को हम लोग इसको लिख दिए इस रिजल्ट को। सर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब स्मॉल चेंज होता है ना, देखो डिफरेंशिएशन जैसे पढ़ते हो dy / dx का मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, तो डिफरेंशिएशन का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का टर्म जैसे हम लोग लिखते हैं कि d, एक्चुअली देखो डिफरेंस कहाँ से आया, जैसे डेल वाई बाई डेल एक्स लिखते हैं हम लोग, उसी में जब हम लोग डेल्टा एक्स को क्या बहुत छोटा लेते हैं ना लिमिट, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब इसको डीवाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, तो छोटा सा एक पार्ट है, तो एरर भी क्या होता है, डेल मतलब बहुत छोटा पार्ट आता है एब्सोल्यूट, इसी का बहुत स्मॉल सा पार्ट है ये, इसीलिए डेल लिखते हैं इसको, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको डेल यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डी के जगह। तो डिफरेंस मतलब जानते हो कि ये हो क्लास, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि बड़ा सा कोई तुम्हारे पास रॉड हो, तो डिफरेंस का मतलब इसको तुम बहुत स्मॉल पार्ट्स में से ब्रेक करते हो, तो एक छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, या फिर इसको तुम डेल्टा एल बोल सकते हो, तो सभी डेल्टा एल को जोड़ दोगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा, तो एक स्मॉल सा पार्ट है, एक स्मॉल सा चेंज दिखा रहा है ये, स्मॉल चेंज जो कि एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा बहुत कम कुछ आएगा, इसको डेल के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन से रिजल्ट आया है, अभी डिराइव किया तो उसमें पता भी चला होगा। तो बस यहाँ पे क्या करो, अब तुम डेल्टा निकालो, सब वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल्टा देखो क्वेश्चन में दिया 0.2, आर वन है 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा टू है 0.1, आर टू है 3 का स्क्वायर और आर अपने पास आ गया था 2 का स्क्वायर,
तो सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 0.07 ओम, ठीक है ना। तो आंसर फाइनल लिख देना 2 ± 0.07 ओम, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो दो होमवर्क देते, रिपीट करना कैलकुलेशन को घर में, अभी मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। इसको रिपीट कर लेना एक बार, रिपीट कर लेना दो ऑब्जर्वेशन के लिए। पहला लिख लो एक सवाल जल्दी से, रुको एक और एक दे देते हैं। हाँ, इसके लिए करना एक बार, दोनों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक इसके लिए करना 300 प्लस माइनस, सीरीज तो तुरंत हो जाएगा, सीरीज नहीं दे रहे हैं, ये आर वन है ठीक है, और 500 प्लस माइनस 4 है, ये तुम्हारा आर टू हो जाएगा ठीक है। तो तुम्हें निकालना फॉर पैरेलल इक्विवेलेंट, ठीक। और एक क्वेश्चन रिपीट कर लेना, एक तुम ये वाला भी कर लेना, बार बार डिफरेंशिएट मत करना, याद हो गया तो उसे यूज कर लेना डायरेक्ट, या नहीं याद होगा तो डिफरेंशिएट कर लेना ठीक है। 100 प्लस माइनस 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 प्लस माइनस 4। अब इसी तरह फोकल लेंथ का भी निकाल लेंगे, कुछ भी इस टर्म में जो भी पूछा जाएगा निकाल लेंगे हम लोग ठीक है ना। रुको फोकल लेंथ का बता देते हैं, तो ये भी हो जाएगा फोर पैरेलल। तो ये दो क्वेश्चन रिपीट कर लेना, होमवर्क में रहेगा ये। सो एक ऐसा ही क्वेश्चन था बुक में दिया, तो उसने पता क्या क्या था? हाँ, वो R1 जो इक्विवेलेंट जो इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिया, जो इक्विवेलेंट पैरेलल का इक्विवेलेंट का R इज इक्वल टू R1 इनटू R2 बाय R1 प्लस R2 को, और फिर उसको सर अलग-अलग करके वैल्यू पुट कर दिया इनटू का जो हम लोग एरर लेते ना। हाँ समझ गए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें एरर होने का चांस ज्यादा होता है, वो NCERT में ऐसे ही किया है। हाँ सर, उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, उसमें जो मतलब दूसरी चीज पे अप्लाई कर रहे थे वैसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, हम लोग का नहीं आ रहा है कि उसमें नहीं आ रहा है, मतलब मिल नहीं रहा सर, जो भी आंसर आ रहा उससे नहीं मिल रहा है, मतलब उस जो एग्जांपल में दिया हुआ सर उसका उस फॉर्मूला से करें सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ उससे सॉल्व नहीं हो रहा। मतलब नहीं समझ रहे, इस जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको इस फॉर्मूला में पुट करके तो नहीं आ रहा आंसर, ये जो बुक का फॉर्मूला से पुट करे तो उसमें नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें नहीं आ रहा, तो इससे करना क्या दिक्कत है, वो वही आएगा, मतलब ये ज्यादा अच्छा है। इसमें क्या है, उसमें फिर क्या क्या एरर के फॉर्म में ब्रेक करके लिखा है, पुट कर करके। यस सर, इसमें जैसे एग्जांपल दीजिए ना, वो जो अभी यही की ना वो वाला। हम समझ गए तुम मुझे बोल रहे हो, NCERT में वैसे ही दिया है, ब्रेक कर करके पूरा आगे तक सॉल्व करके लाया है कोई रिजल्ट है ना, फिर उसको फिर yes, हाँ, तो ये सबसे बेटर है कि इसी तरह करना इसको ठीक है, सबसे बेटर इसी तरह करना, यही रूल एक्चुअली है, ये रूल है, इसमें एक मिनट में हो जाएगा, यही रूल लगाना है और यही करना ही पड़ेगा। उसमें भी लाया लास्ट में ही, इसी के टर्म में लाता है ठीक है, बट यही करना है यहाँ पे और कुछ नहीं, इसी टर्म में इसको पुट करना है। ऑसिलेशन और पेंडुल टाइम पीरियड का कांसेप्ट जो समझ नहीं आया सर। अच्छा बता देंगे उसको, उसको हम एक क्वेश्चन करा देंगे, और उसमें तुम जो एक क्वेश्चन भेजा था उसमें ऑसिलेशन नहीं दिया हुआ था ठीक है ना, तो उसमें शायद कुछ मिसिंग हमको लग रहा था क्वेश्चन में, क्योंकि देना चाहिए था 10 ऑसिलेशन के लिए, कि 5 की 15 की 20, तो नहीं देगा तो पूरा टाइम पीरियड लेके बनाना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड लेके पहले उसका टाइम निकालना पड़ेगा, फिर उसको अच्छा बता, रुको उसको भी बता देंगे, अभी उसको भी बता देंगे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट काउंट को जरूरत पड़ता है तो लिस्ट काउंट भी सिखा देंगे। कॉन्सेप्ट यही सब है, बस अच्छे से यूज करना थोड़ा, और किताब समय क्वेश्चन या बुकलेट में मिलेगा उसको सॉल्व करना, आराम से करना सॉल्व ठीक है, समझ समझ के बता देंगे, सारा बन जाएगा, एरर का मतलब कुछ भी नहीं फंसेगा तुम्हारा, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, सारा बन जाएगा, लिस्ट काउंट सिखा देंगे कैसे निकालते हैं। अच्छा रुको, एक फोकल लेंथ वाला तुम पूछा था ना, उसको बता देते सबको, उसका भी देखते इसी तरह होगा। तो देखो फोकल लेंथ का एक सवाल जैसे इसने पूछा था, और आता भी एक, मतलब इस तरह भी एक सवाल बनता है फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे उसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन दिया है, सपोज जो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, हाँ क्वेश्चन ऐसे ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो सभी लोग देखो खुद से बनाओ इसको, तुम लोग को ही दे रहे बनाने, कैलकुलेटर यूज कर लो टाइम बचेगा। रुको, हाँ एक क्वेश्चन ये दिया था, लिख नहीं रहे पूरा सवाल को, बस वैल्यू लिख दे रहे हैं। मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 50.1 और प्लस माइनस
0.5 और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 20.1 प्लस माइनस 0.2। तुम लोग कौन सा किताब पढ़ते हो ऐसे, मतलब थ्योरी कुछ पढ़ते हो, कहां से पढ़ते हो? सर वही तो प्रिस्क्राइब बुक अभी तो पता नहीं चला सर कौन सा अच्छा रहेगा। एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ो, मतलब तुम जीसी पांडे पढ़ सकते हो, अच्छा किताब है, अरिहंत का आता है, ठीक है ना, ये पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर एससी वर्मा तो रखना जरूरी, तो कंपलसरी है। सिंगेज डीसी पांडे और शिवाई बोल रहे, डीसी पांडे तो सिंगेज ये सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना, ये दोनों में से कोई एक तुम ले लो। दोनों मतलब बहुत अच्छा किताब है, बहुत मतलब जितना कॉम्पैक्ट थ्योरी होगा उतना देता है, और प्लस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो अनवांटेड थ्योरी वरी उतना मतलब एकदम टू द पॉइंट किताब है ये। सिंगेज आएगा तुम्हारा बीएम शर्मा का, ठीक है ना, ऑथर का बीएम शर्मा है। तो ये थोड़ा सा महंगा आता है, बट ठीक है, पुराना भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना अगर पीडीएफ मिल जाता है, अभी दुकान नहीं खुला रहेगा। तो काफी अच्छा बुक है दोनों, तो हम तो बोलेंगे डीसी पांडे ही रेफर करना, क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में और बहुत पतला सा थोड़ा किताब है और बढ़िया किताब है, और सिंगेज में भी बहुत बहुत अच्छा है, बट काफी ज्यादा दिया हुआ है। तो जो तुम्हारा मन होगा, सिंगेज भी तुम पढ़ सकते हो, डीसी पांडे भी। इसके अलावा इट इज कंपल्सरी, इसका हर एक सवाल बनाना, ये कंसेप्ट सिखाता है फिजिक्स में, इसका 1 से लेके 50 क्वेश्चन अगर दिया है तो 50 बनाना है, अपने से समझ समझ के सोच सोच के बनाना है, काफी अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसके बाद इसमें मूव करना, ठीक है। बुकलेट तो है ही अपना, लेकिन इसके अलावा बुकलेट प्लस ये सब करो, और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, इतना करो। एनसीईआरटी कर लोगे, थोड़ा बहुत टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी हो जाएगा, इतना कर लोगे तो ठीक है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है। बट जिनको स्टार्ट करना है पूरा बढ़िया से बनाना, तो एरर चैप्टर, वेक्टर चैप्टर, मैथमेटिकल टूल, आप बुकलेट बना लीजिए पूरा। इसके अलावा एससी वर्मा का सारा सवाल बनाइए, और टाइम बचेगा तो डीसी पांडे, ये तो बनाना ही है, डीसी पांडे, बीएम शर्मा को, ये इतना बस करो, ये मटेरियल रखो। और तुम्हारे पास अभी 2 साल का लंबा वक्त है, और इसमें 3500 क्वेश्चन है टोटल डीसी पांडे में, मतलब एक एक किताब में तुम्हारा, चलो एक बुक में मान लो कि 3500 सवाल है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, उससे कम ही होगा, सब किताब मिला के होगा 5000 सवाल मैक्सिमम। तो डेली अगर तुम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाओगे ना, तुम इसको आराम से एक साल में खत्म कर पाओगे, 40-30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली बनाओगे तो तब भी एक साल में पूरा किताब को तुम खत्म कर लोगे सारा पार्ट। इसलिए शुरू करो बनाना, ठीक है, फटाफट शुरू, कोई भी किताब लो या फिर बुकलेट लो, ए टू जेड बनाओ, देखना बनेगा, फंसोगे, ऐसा नहीं कि नहीं सब बन जाएगा, कहीं ना कहीं फंसोगे ही, उसमें कैलकुलेशन चेक देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है थोड़ा, ठीक है, बन जाएगा, पूछना है, कहीं मैथ नहीं हो रहा है सॉल्व करना है, लॉग वॉग देखना है, हो जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश करें कि थोड़ा अच्छा अच्छा सवाल ही कराएं, अब बेसिक क्वेश्चन उतना नहीं कराएंगे, थोड़ा जो डिफिकल्ट टाइप का है, ताकि तुम लोग जेई वेई लेवल का थोड़ा कराएंगे, बेसिक क्वेश्चन खुद से बना लेना, वो सब आ जाएगा, बना लोगे, तो जो अब नहीं बनता उस तरह सवाल ही आप ढूंढ ढूंढ के क्लास में करा देंगे। चलो अब ये इसको देखो, सॉल्व करो जल्दी, चलो इसको बनाओ, तो एफ निकालो, मतलब फोकल लेंथ निकालो इसमें जल्दी से, फोकल लेंथ, अब स्फेरिकल मीनर निकालो एरर के फॉर्म में। अरे लाइट चला गया क्या, आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो, ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। चलो एक मिनट का टाइम है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, जल्दी से बनाओ। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर 1/f = 1/v + 1/u होता है, 1/u + 1/v जो भी बोलो, उसी फॉर्मूला से बनाओ। अब देखो बार बार डिफरेंशिएट मत करना, ठीक, अब यहाँ पे ऐसे r1 था तो उसके अगर तुम डेल्टा u1 लिख देना, भाई u1 का स्क्वायर, r2 था तो r2 का जगह क्या होगा, v हो जाएगा, तो डेल्टा v2 सर मिरर है ना ये? हाँ मिरर है, मिरर है, मिरर फॉर्म जानते हो ना, 1/v + 1/f। हाँ सर इसीलिए पूछ लिया, मिरर है कि लेंस है? नहीं नहीं मिरर है, हो जाएगा ना, बनाओ। तो कैलकुलेटर यूज कर लो क्योंकि टाइम बचेगा, कि बेकार इतना कैलकुलेट काहे करोगे, टाइम चला जाएगा क्लास का, ठीक है, बस सीखने के लिए दे रहे हैं करने। तो बार बार डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि फॉर्मूला तुम डेल्टा एफ का, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा यू बाई यू का स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर ब्रैकेट में एफ स्क्वायर, याद हो गया एक सेकंड में, और फटाफट पुट करके बनाओ, तुम्हारा डिफरेंशिएट करने में टाइम तो बचेगा ना, वही रिजल्ट आएगा। टाइम पीरियड का क्वेश्चन को करा देते हैं थोड़ा, आज थोड़ा हम सिग्निफिकेंट, ये सॉरी सिग्निफिकेंट बोलते हैं, थोड़ा लिस्ट काउंट भी सिखा देंगे निकालने।
हो गया ना? हेलो यस, तो बोलो सर कितना आ रहा 0.007 आ रहा। 0.07 आ रहा है कि 0.14 आ रहा है? डेल्टा एफ का वैल्यू बोल रहे हो क्या? अच्छा यस सर। देखते हैं, रुको कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कोई बात नहीं रुको, चलो ना कैलकुलेट तो करना है कर देते हैं, ठीक है कोई भारी भरकम बात नहीं है। तो यू बी लिख दो, यू प्लस बी कर दो, तो कितना लिखोगे? 50.1 इंटू 20.1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना? 70.2 यू प्लस बी, 70.2, तो 5 10 मतलब 1000 हो गया ना, 1000, तो चलो 1007.1 कितना हो गया? 1007 हो गया ना, 0.1 हो गया, 0.1 देख लो कैलकुलेशन एक बार ना, हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, 70.2 आएगा, तो सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 14. क्या आएगा? 3 की क्या आएगा बोलो तो, कुछ आएगा 3.8 में, 14.34 आ जाएगा ना, हाँ चलो 3 हो जाएगा, 3.4 भी ले सकते हो तुम्हारा मन है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें, फिर डेल्टा एफ का फॉर्मूला पुट कर दो डायरेक्ट, तो ये आएगा डेल्टा यू बाई यू का स्क्वायर, जैसे आर डेल्टा आर वन बाई आर टू का स्क्वायर था, आर वन का स्क्वायर तो उसी तरह, और प्लस क्या करोगे यहाँ पे डेल्टा वी बाई वी का स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसको करके एफ से मल्टीप्लाई कर दो एफ स्क्वायर से। यस सर, 0.14 आ रहा। हाँ ठीक, वेरी गुड, बस सॉल्व करना है ठीक ना, तो हो जाएगा तुम लोग का, कोई डाउट नहीं होगा इन सब में, तो बस पुट कर दो वैल्यू, ठीक है ना, आगे बस पुट करके बना देना, तो आएगा 14.3, सॉरी सॉरी क्या था, हाँ 14.3 एफ था ना, सॉरी डेल्टा यू था कुछ 0. कुछ था, कितना था डेल्टा यू, क्या था बोलो तो देख के सर, डेल्टा 0.5, हाँ 0.5 था, 0.5 0.5 बाई यू आया था 14.3 ना, 14 यू कितना दिया था 50.1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 0.2 बाई 20.1 का स्क्वायर, और एफ का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लेना एफ हम नहीं कर रहे आगे, और ठीक है एफ का स्क्वायर कर देना, एफ अपना आया था 14.3 का स्क्वायर, तो पूरा कैलकुलेट कर सॉल्व करोगे ना तो ये ऑलमोस्ट आएगा 0.14 ऑलमोस्ट आएगा इतना, ठीक है सॉल्व करके देखोगे तो इसलिए फोकल लेंथ पे ऐसे लिखोगे। अच्छा रुको, एक और अच्छा सवाल भेजा था आज, पूछा था, उसको बता देते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो मैथमेटिकल टर्म एरर निकालने के लिए, तो ये होगा 14.3 प्लस माइनस 0.14, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो भी 1/f वाला टर्म होगा, 1/r वाला टर्म होगा, या 1/y वाला टर्म कुछ ऐसा होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन मैथमेटिकल या फिजिकल, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा एक सवाल और है, इसको देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन क्या दिया, देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया m इक्वल टू y tan थीटा, ठीक है ना, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया है m इक्वल टू y tan थीटा, कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए m यहाँ पे, अब बोला है कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय दिस, तो ये कब मिनिमम होगा बोला है, इसमें एरर मिनिमम कब होगा, तो परसेंटेज एरर, पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं ठीक है, अच्छा लिख दे क्या, अच्छा छोड़ो समझ ही जाओगे तुम, अच्छा को लिख देते हैं, क्वेश्चन ये है ना, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट बाकी लोग भी लिख लो इस क्वेश्चन को, ऐसा टाइप का बना देना, एक टाइप बता देते, इस टाइप का कुछ भी आएगा तो बना देना, ठीक है कैसे बनाओगे बता देते हैं, तो लॉग का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लॉग आ सकता है, एलजेब्रिक आ सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो सॉल्व कर सकते हो, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, क्वेश्चन है परसेंटेज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ये फिजिकल क्वांटिटी आपका दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है m, तो निकालना इस मैक्सिमम वेन, ये कब मैक्सिमम होगा, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है, किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगा, तो इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख देते हैं, m इक्वल टू लिखेंगे पाई टेन थीटा,
ठीक है ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन बोल दे रहे हैं अभी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ द साइड टू, डेल्टा का टर्म, एम का टर्म चाहिए। जब भी डेल्टा टर्म चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसको याद रखना। सारा रिजल्ट तुमको कहीं ना कहीं से ये हम लोग प्रूव किए देखे अभी कि डेल्टा का जो टर्म है ना वो डिफ्रेंशिएशन ही एक तरह का मतलब स्मॉल चेंज है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ द साइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर देते हैं, ठीक है, थीटा फंक्शन में है। इसको करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डीएम बाई डी थीटा, ठीक है, पाई तो कॉन्स्टेंट है, पाई पाई रह जाएगा, और टैन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो डी अपने पास क्या आ गया, ये आ गया पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी डीएम हो गया पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर टू है ये। तो अब टू को वन से डिवाइड दे दो, तो देखो वही फॉर्मेट में आ गया जो हम लोग फ्रैक्शनल के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहां पे हो जाएगा डीएम बाई एम, और इधर क्या होगा, पाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई पाई टेन थीटा, यहां से पाई और पाई का टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, डीएम बाई एम। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो ब्रेक करके, जैसे इसको तुम लिख सकते हो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा डी थीटा तो रहेगा ही, आगे इसको सॉल्व कर लो बस। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से ये वाला टर्म गया, ठीक है, तो अपने पास नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई एम इक्वल टू डी थीटा, और नीचे रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं साइन टू थीटा के फॉर्म में, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड देंगे अगर, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, ये तो पढ़े ही हो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा मैथमेटिक्स वाला एरर निकालने का, तो यही तरीका है। मैथ्स में भी एरर पड़ता है, डिफरेंशिएट ही करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। लॉग रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, अलजेब्रिक रहे, मान लो तुमको यहाँ पे लॉग का कुछ दे देते एरर निकालने, तो उसी तरह बनाते तुम, पाई लॉग थीटा दे देते, लॉग एक्स दे देते, या मान लो तुमको हम एक्सपोनेंशियल का दे देते, तो बोलते एरर मिनिमम एरर बताओ। तो यही फॉर्मेट है, मतलब यही रूल है, इसी तरह करना है सॉल्व, ठीक है। बस बोलो सिर्फ जो मेन वैल्यू निकालना है उसका डीएम का वैल्यू निकालना है ना, डीएम का वैल्यू निकालना है, यस, डीएम में एरर मिनिमम लाना है। तो मिनिमम के लिए हम लोग को यहाँ पे जो नीचे है, मतलब इस यहाँ पे है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तभी तो मिनिमम आएगा, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो डीएम हम लोग को मैक्स चाहिए, ये तो आ गया इस टर्म में, चलो ये कॉन्स्टेंट है ना, थीटा उटा टू, मतलब टू कॉन्स्टेंट है, हम लोग को मेनली देखना है कि थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पे। अब हमको क्या देखना है, डीएम को मैक्स दिखाना है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एम बाई एम। तो दिस डीएम, इस डीएम को मैक्सिमम करने के लिए, सॉरी मिनिमम करने के लिए, मैक्सिमम बोल रहे सवाल में मिनिमम है, सॉरी क्या बोला है, मिनिमम करने के लिए ना, हाँ फॉर मिनिमम मैक्सिमम बोला है, आप लिखिए इसे, अच्छा मैक्सिमम देख लेते क्वेश्चन में मिनिमम है कि मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है ना, क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम लिख दिए, क्वेश्चन में मिनिमम है, सवाल तुम ही भेजो, दोनों बता दीजिए, दोनों बता दे रहे हैं, दोनों में थीटा का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, चलो मिनिमम ले लेते हैं अभी, ये तुम्हारा सवाल था, तुम खुद समझ जाओगे दोनों में क्या होगा। तो मिनिमम, ये मिनिमम करने के लिए तुमको थीटा ये क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा ना, बोलो तभी ना मिनिमम आएगा, साइन टू थीटा को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तो दिस साइन टू थीटा शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब आपका टू थीटा पाई बराबर आएगा, है ना, तो थीटा आपका 45 आ जाएगा, ये आंसर होगा। और यदि आपको मिनिमम बोलते हैं, तो मिनिमम के लिए आपको इस मिनिमम कब आएगा, सॉरी मैक्सिमम कब आएगा, जब इस थीटा को मिनिमम रखिएगा, तो इसमें थीटा का मिनिमम वैल्यू जीरो हो जाता, तो इस सवाल के अनडिफाइंड टाइप का कुछ आया था, ठीक है। तो ये इसमें मिनिमम वाला ही सवाल था, ये इसलिए यह मिनिमम था, मैक्सिमम बोलेगा तो तुम इसको मिनिमम करना, इस थीटा को मिनिमम करोगे, और ये मिनिमम बोलेगा डीएम, तो इसको मैक्सिमम करोगे, ये कॉन्सेप्ट है,
इस तरह कोई भी मैथमेटिकल टर्म का सॉल्व करना। अब चलो थोड़ा टाइम पीरियड का बताए थे कुछ कुछ सवाल, टाइम पीरियड इसमें एक बार नोट करना मुझे। अच्छा नोट करो सर, इसमें डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। डबल क्यों करेंगे? सो स्केल निकालने के लिए मैक्सिमा मिनिमा। यस सर। नहीं नहीं मैक्सिमा मिनिमा इसमें फिर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन का मैक्सिमम चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे डेल्टा टर्म का कर रहे हैं ना, फंक्शन का नहीं कर रहे हम लोग, डीएम का कर रहे हैं। डेल्टा तो ऊपर कीजिए ना। हाँ कर रहे हैं हम लोग, इस टर्म का कर रहे हैं। देखो फिजिक्स में हम लोग फंक्शन का जब करेंगे मैक्सिमम मिनिमा चेक, तब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं एक्सट्रीमम का, यानी कि फंक्शन शुड बी मैक्सिमम और शुड बी मिनिमम, जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन का करेंगे। ये हम लोग डीएम टर्म का बस चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा के टर्म आ गया था अपने पास आंसर, तो इसलिए हम लोग और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग बस इस डेल्टा टर्म का चेक कर रहे हैं, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग कोई फंक्शन का करते हैं तब हम लोग मैक्सिमा चेक करते हैं, मिनिमा चेक करते हैं, जैसे साइन कॉस का कर रहे हैं, कोई भी रैंडम फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव का कर रहे हैं चेक, तो शायद तुम पढ़े ही हो सब, तो उस तरह करते हैं कोई फंक्शन का। यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नहीं कर रहे, बस डेल्टा टर्म का चेक कर रहे हैं डीएम का। ठीक है, कहाँ कर दे स्क्रीन ऊपर यहाँ से? नहीं हल्का नीचे, यहाँ वन टू के पास से, वन बाई टू के पास से। हाँ यहाँ से, यहाँ से DM by M के पास से। अच्छा अच्छा ठीक, चलो कुछ टाइम पीरियड का सॉल्व किया जाए। टाइम पीरियड में बहुत डाउट होता है ना, मेन बात है कि ऑसिलेशन वगैरह में डाउट होता होगा, नहीं देता होगा तो उसका थोड़ा देखते हैं। रुको उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया सर, ऑसिलेशन में कितनी उसमें लाल क्या करना, समझा दे रहे बिल्कुल। देखो उसमें तब तुमको ऑसिलेशन पे ही डिपेंड कर, अच्छा उसका तो टेक्निक कुछ बताए थे शॉर्टकट टाइप, रुको कुछ अच्छे से बता देते उसको। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर, कोई कुछ बोल रहा है क्या रवि? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा कुछ पूछना होगा तो बोलना, ठीक है अभी रुको बता देते टाइम पीरियड का। थोड़ा टाइम पीरियड सवाल करवाना है हमको, देखते हैं ढूंढ के सिंगेज में देखते हैं कि नहीं बढ़िया बढ़िया सवाल। थोड़ा एक तुम भेजे उसमें ना ऑसिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो उसको सिर्फ 50 से कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे हम लोग, थोड़ा लिस्ट काउंट भी सिखाना। सर बुकलेट में है सर, बहुत सारा है बुकलेट में। यस सर, क्वेश्चन नंबर बताएं सर। बताओ बताओ, रुको देखते हैं बुकलेट। यस सर, नीचे कर दीजिए। ठीक है कर देते हैं, रुको बुकलेट एक सेकंड देख लेते हैं, तुम मुझे बताना पेज नंबर बताना एक बार। जय चैनल ना, लिख लो सब लोग, रुको हम देखते हैं असाइनमेंट में होगा, जय 2022 असाइनमेंट में मैथमेटिकल टूल्स। हाँ बुकलेट तो मिल गया हमको, कितना पेज नंबर है बोलो सर? एडवांस जो सेक्शन है ना सर, उसमें जाके देखना, मेन सेक्शन सब में है, सब मेन सेक्शन में। नंबर कितना है सर? एक सेकंड। अच्छा रुको हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, तुम तो स्क्रीन में होगा तुमको डाउट हो, दिक्कत हो रहा होगा देखने में ना। अच्छा रुको हम देख रहे हैं, ठीक हम ढूंढ लेंगे, हमको पता होगा लास्ट में होगा। इधर का सब बन जाएगा, तुम लोग सब तो पढ़ा ही सब, एक्सपीबीटी तो सीजी सी क्वेश्चन सब है जाएगा। अच्छा रुको टाइम पीरियड का देख लेते थोड़ा क्या बोल रही है। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या, इन द डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 100 नंबर सवाल? यस सर। द मैक्सिमम पर एरिया इन द वैल्यू ऑफ जी इज, अच्छा अच्छा ये वाला ना, ठीक है रुको इसको देखते हैं। इसमें ऑसिलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो सिंपल सवाल है। और भी ठीक है, ये नहीं बना है 100 नंबर, 100 तो इजी है, नहीं बना है बना होगा 100 बन गया होगा तुमसे, तुम लोग से। कौन सा एक्सरसाइज है ये? पेज नंबर है 58, एक्सरसाइज है ये, सब बन गया ना ये सब। हाँ 100 का ए आ रहा सर। हाँ वो तो बन जाएगा, वो तो आसान। हाँ टू है ये सर।
टू बन गया। कौन सा एक्सरसाइज नंबर बोलो तो, थ्री प्रीवियस ईयर का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, उसमें भी था सर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 16 हो गया, 17 16 और ये सर पूछना था अच्छा 16 नंबर एक्सपेरिमेंट। अच्छा ठीक 16 बता देते हैं, एक्सरसाइज 3 का। थ्री का 16 ना, ठीक है ठीक। ये देखो इस सवाल ठीक है, इसमें तुमको सब दे दिया, ऑसिलेशन भी दिया, लिस्ट काउंट भी दिया है, तो ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए। उसमें ऑसिलेशन गायब था, शायद प्रिंट मिस्टेक हुआ ऑसिलेशन के लिए, तो क्वेश्चन में कुछ ऑसिलेशन नंबर देना पड़ता है। यहाँ पे देखो दिया है सब, तो इसको हम बता देते हैं, ये बहुत सिंपल से बन जाएगा, इसको सिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा तुम कॉन्सेप्ट। तो इसको देखो, एन एक्सपेरिमेंट, जिनके पास नहीं है अभी बुकलेट तो देख क्वेश्चन हम फटाफट लिख दे रहे स्क्रीन में एक बार, हम एक ही सवाल को समझा दे रहे, इससे बाकी बनाने की कोशिश करना तुम। एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड ठीक है ना, टू ऑप्टेन, एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू ऑप्टेन द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एस्टिलेशन, शॉर्ट में लिख देते इसको ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। और सभी लोग पढ़िएगा जितना पढ़ाए अभी तक क्लास में, टेस्ट है परसों, टेस्ट में यूनिट डायमेंशन का सवाल ज्यादा दिए हैं क्योंकि रिसेंटली पढ़ाए हैं, और वेक्टर का दिए हैं थोड़ा बहुत, और मैथमेटिकल टूल्स का भी दिए हैं, लेकिन यूनिट डायमेंशन का आपको ज्यादा सवाल मिलेगा। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन है ना, उसमें हम दिए हैं वही 13-14 क्वेश्चन दिए यूनिट डायमेंशन का, और बाकी 10 क्वेश्चन में वेक्टर और टूल्स का मिला के दिए हैं ठीक है। तो पढ़ना सब क्लास में इस तरह पढ़ाते, उसी तरह टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब पढ़ोगे अच्छा से तो हो जाएगा सारा। लेंथ दिया गया एल इन एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन बोला है, 100 ऑसिलेशन के लिए इज मेजर्ड बाय, 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय, इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ वॉच ऑफ 1 सेकेंड लिस्ट काउंट। अच्छा एक वाच से मेजर कर उसका लिस्ट काउंट, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू दे दिया ठीक है, लिस्ट काउंट जब भी बोलेगा डेल्टा टी मान लेना उसको। इज मेजर बाय वॉच ऑफ लिस्ट काउंट 1 सेकेंड, इसका मतलब आपको डेल्टा टी दे दिया है, एंड द वैल्यू ऑफ, एंड द वैल्यू इज 90 सेकेंड। अच्छा नाइन्टी सेकेंड, द लेंथ एल इज, द लेंथ एल इज मेजर्ड बाई, देखो लेंथ का भी लिस्ट काउंट दे दिया इसमें, तो इसमें तो आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। लेंथ इज ऑल्सो मेजर्ड बाई मीटर स्केल, लिस्ट काउंट पढ़ाएंगे ठीक, एक और क्लास लगेगा इसमें, लिस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर पढ़ा देंगे, उसमें आईटी एडवांस में सवाल पूछता है स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर से, तुम देखना प्रीवियस में तो बहुत मिलेगा वर्नियर कैलिपर का सवाल स्क्रू गॉज का, तो इसलिए उसको बता देंगे हम, एक क्लास बस और लगेगा, तब तक सवाल पूरा बनाओ। द लेंथ एल इज मेजर्ड बाई यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm, मतलब डेल्टा जहां पे तुम एल पुट करोगे उसको 1 मिलीमीटर लेना लिस्ट काउंट को डेल्टा एल के जगह, एंड द वैल्यू इज 20 सेंटीमीटर। अब यूनिट सबका भी ध्यान देना है, सारा यूनिट अलग अलग यूनिट में दिया गया है ठीक है। तो बोला है द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी वुड बी, मतलब क्या होगा यहाँ पे, रुको एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ जी वुड बी, तो
ऑप्शन ए में दिया 1.7% होगा, ऑप्शन ए दिया क्या 1.7%? आवाज नहीं आ रहा है। एकदम नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर, हम लोग को आ रहा है सर। अच्छा, आवाज तो सही आना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क का एक बार प्रॉब्लम हो सकता है इसको। 2.7% दिया गया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में आपका दे दिया है 4.4%, ऑप्शन डी में आपको दे दिया है यहाँ पे 2.27%। ठीक है, तो चलिए देखिए इस सवाल को कैसे बनाइएगा। तो सीधा तुम पेंडुलम का फॉर्मूला जानते हो, उससे उससे शुरू करो बनाना। ठीक है, जैसे टी इक्वल टू 2π√L/g, उस फॉर्मेट से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को सॉल्व करना, और डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू वहां पे जब है होगा उसको एरर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, क्वेश्चन का एक बार देख लो फिर से। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ जी बाई यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। इन दिस एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ इज 90 सेकेंड। द लेंथ एल इज मेजर्ड बाई यूजिंग अ मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm एंड द 20 सेंटीमीटर। द एरर इन दिस एरर ऑफ द जी वुड बी कितना, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखो टी को क्या लिखेंगे, ठीक है ना, टी को लिखते हैं हम लोग 2π√L/g। तो टी स्क्वायर हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4π² सर। एल वाई जी जी सर, आंसर बी आ रहा है 2.7%। आ गया आंसर? यस सर। कैसे बनाए हो, बना लिए? वाह, यस सर, वेरी गुड। कैसे बनाए बोलो। सर इसको दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था ना उसको, हाँ, डेल्टा के टर्म में लिखे हो, यस सर, एल वाई के और टर्म में। जो पूरा दिया हुआ था टाइम पीरियड फॉर 90 ऑसिलेशन वेरी गुड वेरी गुड, उसको। ठीक बनाए हो, ठीक बनाए हो। चेक कर लेते हैं आंसर, हमको भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा बना के। तो हमको अभी कंफर्म नहीं बता पाएंगे टू तुम सही बनाए हो कि नहीं, हम पहले बना लेते एक बार। ठीक यस सर, है ना, मेरा हमको याद नहीं आंसर क्या है। तो 4π² आएगा और नीचे लिख दो टी स्क्वायर और एल बाई जी लिख दो, सॉरी एल बाई टी टी स्क्वायर लिख दो। टी स्क्वायर तो हो गया, बस यही रहेगा, तो ये हो जाएगा जी का वैल्यू। तो ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना, ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हमको डेल्टा जी बाई जी चाहिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी लिखेंगे। अब यहाँ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए उस पर थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी सब तो इसमें हो जाएगा, बस ऑसिलेशन जो है उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। तो चलो सारा वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल तुम्हारा दिया है लिस्ट काउंट जो होगा 1 mm का, 1 mm का लिस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। तो उसको सेंटीमीटर में ही लिख लो या एमएम में, जिसमें भी कन्वर्ट करना एक टर्म में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखो, इसको क्या लिखोगे बोलो, डेल्टा एल को बोलो कितना लिखेंगे डेल्टा एल को। सर डेल्टा एल सर 1 mm, हाँ, तो 0.1/20। 0.1 लिख दो, सबको एक यूनिट में चेंज कर लो, यस 0.1/20 कर लो, ठीक है, सेंटीमीटर में कट जाएगा यूनिट। अच्छा, अब तुम्हारा यहाँ पे देखो टी को टी है टू है सॉरी। अब क्या चाहिए, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना दिया, लिस्ट काउंट कितना सेकंड दिया है, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड दिया ना, हाँ वन सर, वो सेकंड तो वो डेल्टा टी नहीं ना दिया हुआ, लिस्ट काउंट मतलब डेल्टा टी, नहीं सर, तो वहां पर टाइम पीरियड का निकालना पड़ेगा ना, वो तो पूरा 90 ऑसिलेशन का दिया हुआ है, 100 ऑसिलेशन का। अच्छा हाँ, ये टाइम पीरियड, हाँ सही बोले, टाइम पीरियड 100 का दे दिया ना। यस अच्छा हाँ, ये ऑसिलेशन यहाँ दिया है, ठीक, बोलो। तो ठीक है, 100 ऑसिलेशन दिया है तो उसको निकाल लो, ठीक है ना, 100 ऑसिलेशन दिया उसको निकाल लो, कितना होगा सर, बोलो उसका टाइम पीरियड। डेल्टा, सर उसका डेल्टा टी आता है 1/100 और टाइम पीरियड आता है 9/10। हाँ, डेल्टा टी का टाइम पीरियड कितना है, कितना ऑसिलेशन दिया है 100 के लिए ना, यस सर, तो 9/10 आ जाएगा, है कि नहीं, यस सर, 90/100 हो जाएगा, यानी कि 9/10 हो जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड। तो टी इक्वल टू होगा 9/10,
ठीक है ना, बोलो। यस सर। ऑसिलेशन दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो ऐसे निकाल लेंगे। और डेल्टा एल तब कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना, यानी 0.01 है ना, बोलो सर। 0.1 वाला डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट तुम्हारा। इसी तो कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करना है ऑसिलेशन के लिए, बस पुट कर दो वैल्यू। तो अब इसको लिख दो, डेल्टा टी अपने पास आ गया 0.1। हाँ ऑसिलेशन का दिया था, ठीक ठीक बोल लो, वेरी गुड। वही ऑसिलेशन देखना पड़ता है हम लोग का सर। डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा टी तो 1/100 आएगा ना। 1/100 ही आ रहा है ना। यस सर, कैपिटल टी आ रहा है 0.1। 0.01 होगा ना ये। यस सर, 0.01 हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा ना। सर 9/10 को कैलकुलेट करने पर 0.1 ही आता है। वो टी का वैल्यू हो गया। यस सर, और डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 आएगा। हाँ तो ये कितना आ गया, 9/10 का 0.1 आ गया है ना। यस हाँ 0.1 आ गया ऑलमोस्ट। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 0.1/20। इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा देखो, कैंसिल करो ना जल्दी जल्दी, पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सर परसेंटेज एरर 2.7 आ रहा है। इसको पूरा सॉल्व कर, 2.7 आ जा रहा है। नो सर, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज एरर। हाँ 100 से करना पड़ेगा। तो इसको कितना आ रहा है करने से, 0.27। रुको रुको करते हैं इसको, 1/ ये हो गया ना, 1/ लिखो ना, 1/200। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.05 है ना, 0.05। और इधर कितना आ गया, इधर आ गया तुम्हारा, ये आ गया 0.2/10, 2 × 0.1 ना। तो ये कितना आ गया तब, इसको सॉल्व कर लो, कुछ गलत आ गया क्या, ठीक आया ना 0.2, ऐसा कुछ आ रहा है सर। नहीं वैसा नहीं आ रहा है। सर मेरा दूसरा आ रहा है इसी कैलकुलेशन से। नो सर, वहां पर आप कैपिटल टी का वैल्यू 0.1 लिए ना, वहां पर 9/10 होना चाहिए सर। कैपिटल टी 9/10 ही तो होगा ना। यस सर, तो 0.9 होगा ना 0.1 के जगह पे। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, अरे सॉरी सॉरी, ये तो 9/10 आ रहा था ना यहाँ पे। यस सर। ओ अच्छा, अरे भाई मिस्टेक हो गया, सॉरी, 9/10 आ रहा था ये। सर 0.9 हो जाएगा। हाँ सर, वो टोटल ऑक्सीलेशन का अगर हम लोग वैल्यू रखते तो सर उसमें भी सेम आ रहा है। उसमें भी सेम आ रहा है, जैसे सर 9 जो 100 या 100 ऑक्सीलेशन का जो 90 सेकंड जो दिया हुआ ना, जो पूरा टाइम, जो पूरा टाइम पीरियड जो 90 सेकंड है, उसको भी रखेंगे तो सेम आ रहा है। सेम भी, उससे भी आंसर आ रहा है। यस सर, 1/90 अगर इसमें आ रहा है, टर्न कर जा रहा होगा इसलिए 0 का, इसलिए ऐसा आ रहा होगा है ना, क्योंकि 1/90 उसमें इसमें पॉइंट में, तो पॉइंट की वजह से तो ऐसे ही 100 कट ही जा रहा है, इसलिए आंसर ऐसा दिख जा रहा है तुमको। कोइंसिडेंस टाइप का वो हो रहा है। कोइंसिडेंस, हाँ तो मतलब बहुत सारे वैल्यू में भी सर चेक किए तो सर लगभग लगभग वैसा ही था उसमें भी, उसका मतलब जो टोटल वैल्यू दिया उसे उसी को पुट कर देने पे और लिस्ट काउंट को पुट करने पे सर वही आ रहा था। मतलब ऑसिलेशन नहीं निकालना पड़ रहा है। नहीं सर, ऑसिलेशन में सर और ज्यादा झंझट हो जा रहा है, ऑसिलेशन निकालेंगे सर और सर लिस्ट काउंट बड़ा हो जाएगा ना फिर। तो देखो एक तरह से तुम ये सोचो, ऑसिलेशन तुम निकाल रहे हो अगर, तो तुम डिवाइड दे रहे हो तो तुम्हारा लिस्ट काउंट भी चेंज हो रहा है ना, तो रेशियो तो वही मेंटेन हो जा रहा है। तुम जब ऑसिलेशन नहीं निकाल रहे हो तो 1 सेकंड लेके कर रहे हो है ना। यस सर, आएगा वही तुम्हारा, ठीक है ना। तो उसी को बोल रहे, लिस्ट काउंट को ध्यान देना कि तुम जिस तरह से लिस्ट काउंट यूज करोगे उसके हिसाब से करना। 1/90 राइट लिख सकते हैं यहां पे। हां हां बिल्कुल बिल्कुल, सर वही लिख दीजिए। हां बिल्कुल लिख सकते हो, इससे भी एक बार कर लो एकदम, क्योंकि रेशियो वही रह रहा है तुम्हारा। हां बोलो बोलो। सभी केस में नहीं आता, मैंने भी करके देखा था, नहीं आता सभी केस में। नहीं उसके लिए तुम लिस्ट काउंट प्रॉपर्ली पुट करना पड़ेगा, इसका ध्यान देना तुम। ये अगर चेंज नहीं करो तो नहीं आएगा, मतलब इनका लिस्ट काउंट इसके हिसाब से होना चाहिए। तो शायद तुमने लिस्ट काउंट सही से लिया नहीं होगा, उसमें एक बार चेक कर लेना, आ जाएगा। और नहीं तो तुम ऑसिलेशन करके ही करना ना, काहे टेंशन लेते हो, गलत नहीं होगा ऐसे ही करना, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर रूल से करना, वो हर बार हो सकता है कि हम लोग लिस्ट काउंट को नहीं उसमें चेंज कर पाएंगे तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा, तो उसी से कुछ ध्यान दे देना, ठीक है ना। तो ऐसे ही सॉल्व करना होगा, 0.2 ×
0.0111, तो ये आ गया कितना, देख लेना कैलकुलेशन हम गड़बड़ कर किए होंगे तो चेक कर लेना एक बार, तो 0.00222 आएगा, ठीक है, 0.00 + 0.005, कितना आंसर आ रहा है ये, 2.7 के आसपास? यस सर। ये तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या, ये सॉल्यूशन ठीक है, देखो तो 2.9 by 0.1 1 by 200, ठीक है ना, इधर सर अगर ऊपर से दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर वही आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ सर, ठीक है इसको कर लेना, कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी या बी 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 आ जाएगा ना, ठीक है इसको कर लेना, हम नहीं कर रहे आगे, और इसको देखना करके अच्छे से कैलकुलेशन, आ जाएगा, तुम लोग ले आए तो आ ही जाएगा, और क्या सर। इसी टाइप में सर अगर कोई चीज मिसिंग रहेगा तो उसमें कैसे निकालना, क्या निकाल क्या रहेगा, तो स्प्रिंग मिसिंग रहेगा तो, जैसे सर वो वाला क्वेश्चन जो था ना वो मिसिंग में एरर था, उसमें ऑसिलेशन देना पड़ता है, देख चेक करना ना एक बार क्वेश्चन कहीं किताब होता है, पक्का उसमें कुछ रहेगा ऑसिलेशन, नहीं तो टी लगे कर देना, ठीक है सर, बुकलेट का ही था। हाँ देखते हैं, रुको तुम भेजा है हमको, रुको हम देखते हैं कौन से नंबर में था सर, ये बता रहे रुको, ये इसमें देखो ना ऑसिलेशन दिया ही नहीं है तो टी लेके करना, बट लिस्ट काउंट भी नहीं दिया है तो लिस्ट काउंट नहीं तो झमेला होगा ना टी के लिए, फिर क्वेश्चन इसका समझ नहीं आ रहा कि दिया क्या है इसमें सर, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सर लिस्ट काउंट दिया था, बस मेजरमेंट देके उसको बोलता है एरर निकालने के, उसमें सर अज्यूम सेट करना पड़ता है क्या, देखो लिस्ट काउंट इसमें नहीं देगा ना उसमें, फिर तुमको जैसे कि पेंडुलम के हिसाब से करना पड़ेगा, ऑसिलेशन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम एक सेकंड लेके करना, लेकिन देना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ तो डेटा देगा, नहीं निकालोगे कैसे लिस्ट काउंट सर, एक बार क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बता दे रहे क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बोल रही है, कहाँ था यही वाला स्प्रिंग वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 52 नंबर बनाए हो क्या 52 कोई? नो सर। इसमें दिया देखो क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्वेश्चन ये वाला है, लिख देते हैं सवाल, तो हम इसको बता दे रहे कैसे बनेगा, सिंपल है, लेकिन दिक्कत है कि इसमें फिर लिस्ट काउंट का वैल्यू पुट करने में, कुछ भी तो नहीं दिया, ऑसिलेशन भी नहीं दिया ना कि लिस्ट काउंट हम लोग ऑसिलेशन हिसाब से निकाले, इट्स कैलकुलेटेड, ठीक है, तो शायद इसमें ऑसिलेशन मिसिंग है, मुझे यहां तक लगता है इसमें ऑसिलेशन मिसिंग है, क्योंकि तभी लिस्ट काउंट का भी बता पाएंगे एग्जैक्टली, इट्स कैलकुलेटेड, तो और बना के देखना ना ऐसा कुछ कुछ समझ आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करते रहना ध्यान से एक बार बना के, तो तब समझ में आ जाएगा यूजिंग फॉर्मूला, बाकी लोग बनाते हो देखो, दो तीन जन बस डिस्कस कर रहा है, बाकी सब चुपचाप सुन रहे हैं, बाकी लोग भी बनाइए, कितने लोग क्लास कर रहे हैं देखे एक बार, सब है कि भाग गया, हाँ 10 लोग हैं, ठीक है 9 लोग हैं, बाकी लोग भी बनाया कीजिए, ठीक है रौनक और जो जो है सब लोग, नहीं बनाएगा तो नहीं मजा आएगा पढ़ने में, समझ में नहीं आएगा, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला के इक्वल टू 4π² m/t² दिया गया, वेयर टी इज द टाइम पीरियड बोला गया है, या फिर टी को सीधा बोल दिया टाइम पीरियड, ठीक है ना, टाइम पीरियड बोल दिया है ऑफ अ वर्टिकल ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन नंबर नहीं दिया है, बस बोला है टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन, ठीक है ना, इज मेजर्ड टू बी 5 सेकेंड, एंड मास बोला है 20.2 kg, ये बोल दिया आपका मास, तो बोला है फाइंड द पॉसिबल एरर इन द स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो देखो ये सवाल तो ठीक है बहुत सिंपल है बन जाएगा, ऐसा कोई डेल्टा के भाई के करके निकाल सकते हैं हम लोग, फाइंड द पॉसिबल एरर, इन स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, लेकिन इसमें ऑसिलेशन नहीं दिया तो टाइम पीरियड 5 लेके ही बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना, टाइम पीरियड को 5 सेकंड ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो दिया ही नहीं कितना ऑसिलेशन में बोल रहे हैं, अगर 10 देता 20 देता कुछ देता तो हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते थे, फिर उस हिसाब से हम लिस्ट काउंट भी निकाल सकते थे, तो दिक्कत अभी यही है कि इसमें
हम लोग अगर पेंडुलम लेके चलेंगे तो पेंडुलम का डिस्काउंट एक सेकंड भी हो सकता है, 0.1 सेकंड भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट डेटा देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिसिंग है इसमें ऑसिलेशन का। तो हम लोग बनाएंगे कैसे इसको? सबसे पहले तो हम बस प्रोसेस बता देते क्या करना पड़ेगा। जनरली हम लोग लिस्ट काउंट निकालना सीखेंगे किसी किसी चीज का, जैसे स्टॉप वॉच का 0.1 सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह कुछ कुछ चीजों को हम सीखेंगे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू वॉच, वर्नियर कैलिपर, इन सब का सीखेंगे। लेकिन टाइम पीरियड तो डिपेंड कर ऑसिलेशन पे ना, यहाँ पे मेन बात है यही है। रुको एक सेकेंड, वाइट लेते हैं। देखो ऐसे तुम कर लोगे, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से के निकाल लोगे, 4π² m और t, सारा वैल्यू तुमको दिया हुआ है। t मान लो टाइम ही तुम लेना, 5 लेना, अगर ऑसिलेशन देता तो फिर ले सकते थे, बट ठीक है, यहाँ से मान लो k मिल जाएगा। तो डेल्टा के लिए फिर तुम पुट करना इस तरह वैल्यू को, ना? अब मास है तो उसका लिस्ट काउंट क्या लोगे? मास तो मेनली कॉन्स्टेंट ही रहता है, उसमें कुछ चेंज आएगा नहीं, मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इसका तो हम तो हटा देना पड़ेगा, बस हमको काम करना पड़ेगा डेल्टा टी वाले टर्म के साथ। तो डेल्टा टी वाले के टर्म के साथ कुछ नहीं, तो टी फाइव ही पुट करके बना रहे थे हम लोग, बट एक्चुअली ऑसिलेशन देना चाहिए था, तभी लिस्ट काउंट भी बता पाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट काउंट पुट करना पड़ेगा, जैसे अगर मान लो 10 ऑसिलेशन देता तो 0.1 बोल देते लिस्ट काउंट की, हाँ चलिए एक सेकंड का 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह कुछ दिया नहीं ना है, 20 होता तो कुछ चेंज कर सकते थे, कुछ नहीं दिया तो 1 सेकंड लेके बना के देखो और क्या। तो यहाँ पे ठीक है, तो फिर यहाँ पे डेल्टा लिस्ट काउंट पुट कर लेना, टी पुट करके इसको सॉल्व करके यहाँ पे डेल्टा के मिल जाएगा तुमको वैल्यू। बट मुझे लगता है कि ऑसिलेशन मिसिंग है यहाँ पे क्वेश्चन में सर। हाँ, वहाँ पर 5.0 सेकंड है। क्या क्या के बाद 5.0 या फिर 50 है? हाँ, 5.0 सेकंड लिखे हैं, मतलब 5 सेकंड। तो सर उसका लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड हो जाएगा ना? हाँ, 0.1 सेकंड हो जाएगा, लेकिन वही बोल रहे हैं, हाँ 0.1 सेकंड तो होगा ही, डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसीलिए 0.1 लिखा, हाँ एक हट जाता है, ठीक उतना तो हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ऑसिलेशन हम लोग यहाँ पे नहीं दिया है ना कुछ, तो ऑसिलेशन का वैल्यू यहाँ पे नहीं करके 5 ही पुट करना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो अपने सुन ही ना मान लेंगे कि 100 ऑसिलेशन है कि 10 है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना? बोलो। यस सर। मतलब यहाँ पे तुम ऐसा थोड़ी ना कि 5/10 या 5/20 खुद से कर दोगे, क्योंकि कहीं पे ऑसिलेशन तुमको नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो इसी डेटा में बना लो और क्या, तुम ऐसे निकालो ये टर्म, चलो मास है तो फिर चेंज नहीं होगा, उसको हटा दो। ठीक है, तो 2 टाइम्स इसका लिस्ट काउंट निकाल लेना, ठीक है 0.1 आएगा ना लिस्ट काउंट इसका, एक शिफ्ट कर जाता है 0.1 हो जाएगा। हाँ, इसका पढ़ाएंगे लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक पढ़ा देंगे थोड़ा, और इसको फिर 5 पुट करके सॉल्व कर देखना कितना आता डेल्टा के, मिलाने के बाद आंसर के साथ यहाँ के पुट करके निकाल के, ठीक है चेक कर लेना, और जहाँ ऑसिलेशन दिया वो तो आराम से बन जाएगा सब सवाल। ठीक है, तो बस यही एक कन्फ्यूजन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा इस पे। तो ज्यादातर क्वेश्चन स्प्रिंग का मिलेगा, ऐसा 2-3 क्वेश्चन और बनाओ किताब उताब से ढूंढ के, फिर पैकेज से बनाओ, आंसर चेक करो, आंसर मिलाओ एक बार बना के, खुद से बनाओगे ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना है और क्या करना उसमें। और एक तुम इसका बनाओ, टाइम पीरियड निकालो, ठीक है जी के लिए, ऐसा तुमको 10-20 क्वेश्चन जो भी मिलेगा ना बना लो। अच्छा रुको, तो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट का थोड़ा सवाल करा देते हैं एक दो, वो भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। और IIT एडवांस का पेपर देखे हो प्रीवियस? अच्छा, हम लोग को बताते हैं उसको भी कुछ कुछ क्या क्या कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है अभी तक, कैसा क्वेश्चन आया एरर में? क्या सर इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा गया है क्या? इसमें नहीं, नहीं खाली बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्प्रिंग एरर निकालिए, डेल्टा के का टर्म बस निकालना है सर, 8/100 आएगा सर, जो भी है देख लेना, आंसर को नहीं पता है क्या है, ठीक है ठीक से कैलकुलेट देख लेना एक बार, मतलब जो डेटा उसके थ्रू से बनाए हैं, कुछ मिसिंग है तो उसको यूज नहीं किए हैं यहाँ पे, है ना, 5 है तो 5 से बना दिए, अगर कुछ रहता ऑसिलेशन तो बदल भी जाता है आंसर, वही बोल रहे हैं ठीक, तो वो ठीक है जो डेटा मिला उसी से किए हम लोग, लेकिन शायद इस सवाल में कुछ ऑसिलेशन मिसिंग हो है लगता है, क्योंकि देना चाहिए था ऑसिलेशन बट नहीं दिया, तो ठीक है इसी से बनाओ। अच्छा एक क्वेश्चन देखो ये वाला, इसको बनाओ तुम, देखो इसको कौन बना पाएगा, इसके लिए टाइम दे रहे हैं 1 मिनट, ठीक है चलो सबको बनाना है, बाकी लोग चुप रहे थे बिल्कुल, ये अच्छा बात नहीं है, सब लोग बाकी लोग भी बताओ क्या क्या बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, बस 2-3 बच्चे हैं जो एक्टिव रहता है क्लास में, बाकी लोग पता ही नहीं कुछ बोलता ही नहीं कभी। क्या देवांशु? यस सर। कोई डाउट है? अभी तो नहीं। बनता है सवाल वाल घर में बनाते हो ना? हाँ सर। ठीक है वेरी गुड। आशीष? यस सर। बनाते हो घर में, पढ़ाई करते हो? यस सर।
ठीक है, बनाओ सब लोग। हाँ आशीष, अमन और भी जो लोग हैं, रौनक और क्या है ये, रितम, रितम बरा सिन्हा, अच्छा प्रियांशु, ठीक है चलिए। एक जन कोई भाग गए, फिर पता नहीं बीच में गायब भी होते, फिर आ जाते हैं कोई कोई, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको बनाओ जल्दी से, एकदम विद इन वन मिनट सॉल्व करो जल्दी, आंसर बताना। क्वेश्चन लिखो, लिखो इन एन ओम एक्सपेरिमेंट, इन एन ओम्स लॉ, इन एन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, ठीक है हम बस वैल्यू लिख देते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है ठीक, इज वाज मेजर्ड एज, वाज मेजर्ड एज वी इक्वल टू 5 वोल्ट एंड करंट वाज मेजर्ड एज आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है मतलब 2.00 एम्पियर और ये 5.0 वोल्ट इस तरह दिया हुआ है, कुछ सिग्निफिकेंट टाइप का दिया है ठीक है। बोला है फाइंड द मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन रेजिस्टेंस, बोलिए एक मिनट का टाइम है। लिस्ट काउंट तो निकाल दोगे अब, सिखा दिए हैं मतलब बता दिए कैसे निकाल लो लिस्ट काउंट, परसेंटेज निकालना है क्या? हाँ हाँ सो परसेंटेज, सो परसेंटेज एरर निकालना है या फिर सिर्फ एरर निकालना है? परसेंटेज एरर निकालो ना, रेजिस्टेंस का परसेंट निकालो, फिर ऑब्जर्वेशन से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेना, फाइनल आंसर लिख देना प्लस माइनस उतना परसेंट। डेल्टा वायर का परसेंटेज निकाल दो, मैक्सिमम परसेंट क्या होगा ठीक है ना, लिस्ट काउंट पे ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा सिखा देंगे लिस्ट काउंट, रुको अगले क्लास में। सर परसेंटेज एरर 2.5 आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2.5 आएगा। और कोई बनाया है? यस सर। कौन बनाया, कौन आंसर बोले पहले, कौन बोले? सर आशीष। आशीष ठीक है, वेरी गुड आशीष, लिस्ट काउंट निकालने सीख गया ना आशीष? यस सर। कितना होगा लिस्ट काउंट बताओ, वोल्टेज का कितना होगा? 0.1। कैसे निकाले उसको? सर डेसिमल के बाद 1 जीरो। हाँ मतलब डेसिमल के बाद इसको किससे डिवाइड देते हो, जैसे V5 है तो 0.1 ही क्यों हुआ? सर 5.0 लिखा हुआ मतलब जो डिवाइस है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, इसलिए उसका लिस्ट काउंट 0.1 होगा। वेरी गुड, यही कांसेप्ट है लिस्ट काउंट का, ये समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। वेरी गुड, इसको हम सिखा देंगे कैसे निकलता है, क्या मतलब किस तरह वैल्यू सॉल्व करते हैं हम लोग बड़े बड़े डिवाइस के लिए, ठीक है वर्नियर कैलिपर इन सब के लिए जो थोड़ा डिफिकल्ट डिवाइस है। और करंट का कितना निकाल दो लिस्ट काउंट? 0.01। क्यों सर? डेसिमल के बाद 2 दिया हुआ ना। हाँ तो डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ। ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो बस इसको सीख जाओगे तो कहीं गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी लिस्ट काउंट तुम नहीं भी दिया तो तुम फट से निकाल सकते हो। तो देखो अब क्या लिखोगे, आर को लिख सकते हो V/I, आप देखो प्रैक्टिस करोगे तो सब बन जाएगा ठीक है ना, समझ समझ के करना, थोड़ा सारा पैकेज का सवाल उवाल सब बन जाएगा। तो डेल्टा आर कर दो ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I, यही तो होगा ठीक है ना। अब V दिया हुआ है देखो कितना, V दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम हम लोग डिवीजन लेते हैं, तो ये होगा डेल्टा V हो जाएगा 1.1 वोल्ट ठीक है, और ये डेसिमल प्लेस देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 0.1 है तो इसलिए 1 जीरो लगाएंगे, मतलब 0.1 के बाद ही प्लेस कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा 2.00 एम्पियर है, तो इसका क्या हो जाएगा ना, इसका I लिखेंगे जब तो ये होगा 0.01 ठीक है, 0.01 हो जाएगा, ये यहाँ पे दिख रहा है डेसिमल प्लेस 2 यहाँ पे है इसके बाद, तो ये हो जाएगा इतना एम्पियर, बस अब सॉल्व कर दो, तो परसेंटेज निकालो 100 से मल्टीप्लाई कर देना,
0.01/5 0.01/2 इंटू 100% तो सॉल्व कर दोगे तो आएगा 2.5%। ठीक है, यही पूछा गया था। तो रुको और एक क्वेश्चन देते हैं जल्दी से। इसलिए फाइनल आंसर लिखोगे तुम। अब इसमें इंटीजर टाइप सवाल थोड़ा एडवांस में पूछा था, एक एरर में उसको करवा देंगे क्लास में, लास्ट क्लास में देखेंगे। एक ही अभी तक पूछा था, मतलब 2000 प्रीवियस ईयर शायद पूछा था, उसके पहले पूछा था इंटीजर टाइप एरर में। और बाकी बहुत सारा मल्टीपल चॉइस पूछा है एक दो, मतलब हर साल दो एक सवाल मिलता ही है जेईई मेंस एडवांस में एरर से, एरर या यूनिट डायमेंशन से। सर एक और, हाँ बोलो, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन दे, हाँ दे रहे दे रहे दे रहे क्वेश्चन दे रहे और एक और क्वेश्चन दे रहे, इसको बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से गड़बड़ नहीं करना चाहिए लिस्ट काउंट निकालने में तुम लोग को, जिसका दे देगा दे देगा, जिसका नहीं देगा तो निकाल सकते हो। चलो डिक्टेट कर दे रहे हैं, लिखने के लिए टाइम चला जाएगा, सब लोग सुनो ध्यान से। रुको, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है जेईई में, सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है। बाकी लोग भी बनाइए, ठीक है ना, सब लोग पूछते रहो डाउट। देखो लिखो, इन इन एस ई ए आर एल एस, कुछ होता है ऐसा, इसको हम लोग सर्ल्स एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, यंग्स मॉडल्स फाइंड करने के लिए इसका काम ये यूज होता है, एस ई ए आर एल ई एपोस्ट्रोफी एस, सेल्स एक्सपेरिमेंट, सेल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन सेल्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड यंग्स मॉडुलस, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस का मतलब, द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज, द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज, लास्ट सवाल है आज का, टाइम हो गया है, घर में इसको बना लेना, सवाल आंसर बता देंगे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज 0.5 सेंटीमीटर, लिख रहे हो ना सब लोग? यस सर। देखो, इन सेल्स एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस, द डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड एज डी इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, द लेंथ ऑफ द वायर इज एल, जो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड when a weight, and when a weight, सब लोग लिख लीजिए फिर जाइएगा, and when a weight mass 20 kg is the put, mass 20 kg is the put, 20 kg मतलब 20 into g का वेट देंगे हम लोग, ठीक है, extension in the wire was found to be, अगर किसी छूट गया तो ग्रुप में भेज देंगे सवाल, ठीक है, extension in the wire was found to be 0.100 सेंटीमीटर, ये एक्सटेंशन हुआ मतलब तार खिंचाया इतना लेंथ, फाइंड द मैक्सिमम परमिसेबल एरर इन यंग्स मॉडुलस वाई, ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ, हाँ इक्वेशन ड्राइव करना पड़ेगा, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन बता दे रहे, इक्वेशन तो पढ़ना है क्लास 11th में तुमको, इक्वेशन होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, स्ट्रेस का ऐसा लिखना, देखो इसको ऐसा लिखना तुम, वाई होता ही है, ठीक है, यंग्स मतलब वाई होता है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स यहाँ वेट mg है, और एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इसको मतलब जब लिखोगे ना ठीक से पूरा एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो आएगा ये, और स्ट्रेस का होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, तो पाई बाई फोर मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, पाई डी स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, मतलब डायमीटर दिया है तो मतलब डी बाई टू करोगे ना तो पाई स्क्वायर आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका होता है ये होता है स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, तो चेंज इन डायमेंशन क्या हुआ, एक्स हो गया मान लो, और ओरिजिनल डायमेंशन एल था, ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे लिख देना एम जी एल बाई फोर पाई बाई फोर डी स्क्वायर X, ये होगा तुम्हारा यंग्स मॉडुलस, चलो इतना बता दिया हम, लिस्ट काउंट वगैरह देख के तुम सॉल्व करना, तो ये होमवर्क रहा, ठीक, लिस्ट काउंट क्लियर नहीं हुआ,
अच्छा पढ़ा देंगे अगली क्लास में, नहीं क्लियर होगा तो हम पढ़ा देंगे अच्छे से, पूरा लिस्ट कौन पढ़ा देंगे ठीक है, तब भी तुम ट्राई करना एक बार। Yes. देखो उसका क्लियर है पूरा अच्छे से, जैसे देखो वो आंसर वो आशीष तुमको क्लियर है ना लिस्ट काउंट? Yes, sir. जैसे बताओ तो आशीष 20 केजी उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? Sir, one. Very good. नहीं वन नहीं 20.0 केजी लिखे ऐसे लिखे हैं, गलत बोल दिया। 20.0 केजी लिखे हाँ तो 0.1 होगा सर। 0.1 होगा, वेरी गुड। ठीक है कैसे करते हैं आशीष, समझ में तुमको आता है ना ये बात? यस सर। हाँ, डायमीटर का क्या? डायमीटर का, डायमीटर का तुम निकालना, डायमीटर कितना होगा बताओ? सर 0.001 हो जाएगा है ना? 0.01 यस सर। 0.01 डायमीटर में जीरो दिया हुआ, सिग्निफिकेंट छूट गया था सॉरी, इसका हो जाएगा 0.01 यस सर। ठीक बोला है ना? यस सर। ठीक हम सिखा देंगे सिग्निफिकेंट फिगर जिसको डाउट हो रहा है, सॉरी क्या बार-बार सिग्निफिकेंट बोलते रहते हैं, ये लिस्ट काउंट हम सिखा देंगे। रुको सर, इस क्वेश्चन को जरा ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। हम ग्रुप में भेज देंगे। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर होगा 4.3%। यस सर। चलो इसको बनाना ठीक है, रवि रौनक जितने भी लोग हैं हम सबका नाम नहीं जानते हैं, दो जन को पूछते हैं तो उनका नाम याद हो गया है, बाकी हम सभी को बोलते रहते हैं, समझना बस दो ही बच्चों को बोलते हैं, देवांशु फिर रौनक ठीक है ना, श्वेता है और फिर प्रियांशु रवि, इतने लोग हैं अभी, बाकी लोग भाग गए हैं दो जन, ठीक कोई बात नहीं, तो बना देना और सब लोग बताना आंसर क्या होगा ठीक है, और टेस्ट अच्छे से देना। चलो हम यहाँ पे ऑफ करते हैं फिर।